हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सेब्य कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल से पेमेंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गियर मोटर के नॉमन क्लेचर के बारे में। गियर मोटर का उपयोग प्रायः हर कोर इंडस्ट्री में किया जाता है। इसका उपयोग अलग अलग इक्विपमेंट जैसे कि रोटरी एयर लॉक वाल्व, वेव फीडर, इनलाइनमेंट इंटरसेप्टर, छोटे कन्वेयर बेल्ट या एक्चुएटर आदि में किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गियर मोटर को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि गियर मोटर का जो नॉमेनक्लेचर है वो किस प्रकार से होता है। यदि हमारा जो गियर बॉक्स है उसका इनपुट शाफ्ट सॉलिड है और आउटपुट शाफ्ट भी सॉलिड है और इसमें जो नॉमेनक्लेचर जो दिया है वो है DF128/18.7/19। तो इसमें हम देखते हैं डी का मतलब क्या होता है। यदि इसके स्पेसिफिकेशन में डी लिखा है तो उसका मतलब होता है कि ये डी सीरीज का है और इसमें जो टीथ है वो हेलिकल टाइप है। इसके आगे जो अल्फाबेट लिखा है एफ, उसका क्या मतलब होता है। एफ यदि मान लो लिखा है तो होता है उसका फुट माउंटिंग, और मान लो वहां पे आर लिखा है तो उसका मतलब होता है फ्लैंज माउंटिंग। तो फुट माउंटिंग का जो गियर बॉक्स है वो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पे नीचे में हम इसको बेस के साथ यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, और जो फ्लैंज माउंटिंग वाला गियर बॉक्स होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे जो फ्लैंज है उसके साथ अटैच करके रखते हैं। इसके आगे जो डिजिट लिखा है 128, उसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो गियर मोटर है, गियर जो यूनिट है उसका ये मॉडल नंबर बताता है। जैसे कि यहाँ पे 128 है, इसकी जगह 102 हो सकता है, 142 होता है या 162 भी हो सकता है। उसके आगे का जो डिजिट लिखा है 18.7, ये हमारा गियर बॉस का रेशियो बताता है कि हमारा जो गियर बॉस का रेशियो कितना है। और जो लास्ट वाला जो डिजिट जो 19 लिखा है वो बताता है कि हमारा जो इनपुट शाफ्ट है उसका डायमीटर कितना है। तो यहाँ पे 14 का आता है, 19 आता है, 24 का आता है और 28 का भी आता है। आइए अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो गियर बॉक्स है उसका इनपुट शाफ्ट जो है हॉलो है और आउटपुट जो है वो सॉलिड है। और इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो इस प्रकार है DFK128/18.7/200-19। तो इसमें डी का मतलब होता है कि ये डी सीरीज का है और इसमें जो टीथ है वो हेलिकल टाइप है। यदि इसके आगे जो एफ लिखा है तो एफ का मतलब होता है कि ये फुट माउंटिंग है। मान लो एफ के जगह आर लिखा होता तो उसका मतलब होता कि ये फ्लैंज माउंटिंग है। और इसके आगे जो के लिखा है इसका मतलब होता है कि ये जो इसमें जो मोटर लगा वो इसमें माउंटिंग फ्लैंज लगे हुए हैं। 128 जो है गियर बॉस का मॉडल बताता है और ये जो 18.7 है वो गियर बॉस का रेशियो बताता है। और यहाँ पे जो अगला जो डिजिट लिखा है 200, 200 का मतलब है कि जो इसका जो इनपुट का जो फ्लैंज है उसका ओडी है 200। उसी प्रकार यहाँ पे 160 का भी आता है और 250 का भी आता है। और जो लास्ट वाला जो डिजिट है 19, ये हमारा बताता है इनपुट शाफ्ट का डायमीटर कितना है। यहाँ पर 14 का भी आता है, 19, 24 और 28 का भी आता है। और फ्रेंड्स, हमने गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सेबमेंटर, जिसमें आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड मैकेनिकल इंजन टॉपिक में अलग अलग इक्विपमेंट के ऊपर वीडियो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंट जो कि पीडीएफ फॉर्म में होंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमने ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिसे अधिकतर जॉब वाले इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर जरूर डाउनलोड कर लें और ऐप में ऑनलाइन टेस्ट देकर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और यह गियर मोटर के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपके 1% भी काम कर लगे तो वीडियो को
लाइक करें और फ्रेंड्स तथा फैमिली मेंबर्स में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसी जानकारी ले सकें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।